झारखंड में कभी कथित भूख तो कभी तंग हाली में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया है। चान्हो से लेकर गुमला तक घटना दर घटना सरकार को सोचने और विपक्ष को राजनीति करने का मौका दे रही है। हर एक घटना के बाद मृतक के घर जुटने वाली राजनीतिक भीड़ के मायने और मतलब अलग है, जबकि विभागीय अधिकारियों की जांच रिपोर्ट ठीक उसके उलट। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन राज्य में विकास योजनाओं के दावों को आईना दिखाने में लगे हैं। उनका कहना है कि क्या इसी को विकास कहते हैं? सरकार ढिंढोरे पीठ थपथपा रही है, किसानों को हम आय दुगुनी से लेके उनकी जो आर्थिक सहायता और बहुत सारे किसानों को लेकर के, जहां तक कि आप देखे होंगे दूसरे देश में भी किसानों को ले जाने का इन लोगों ने काम किया है, जो ढोंग रचा है उसका परिणाम आज शिवा खड़िया के घर पे आके देखें। मुख्यमंत्री से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप एक बार इस गांव में आकर के देखें तो आपको हकीकत पता चलेगा कि आप आज किस जगह पर इस राज को ला करके खड़ा। रूप से इस विषय पर हम लोग सरकार से सवाल जवाब करेंगे। अगर वो नहीं कर सकती है इस राज के लोगों की रखवाली, तो सरकार पे रहने का इनको कोई अधिकार नहीं। चुनावी मौसम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दों की मूसलाधार बारिश में सूबे की सियासत सराबोर है। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विकास योजनाओं पर सवार होकर चुनावी नैया पार लगाना चाहती है, जबकि विपक्ष बीजेपी के मिशन 2019 की राह में मजबूती के साथ खड़ा है। हाँ, ये बात और है कि राज्य में विकास को लेकर विपक्ष की नकारात्मक राजनीति ने बीजेपी को हमलावर होने को मजबूर कर दिया है। बीजेपी हेमंत सोरेन के सवाल पर पलटवार करते हुए इसे दृष्टि दोष बताकर राजनीति को अपने तरीके से उलझा रही है। हेमंत जी यदि सही में झारखंड का भला चाहते हैं तो उनको सुझाव देना चाहिए कि इस जगह काम नहीं हुआ तो यहाँ पर कार्य होना चाहिए, न कि नकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है कि हेमंत जी को जब अवसर मिला था तो ये बालू का दुकान खोल बैठे थे, बालू बेचने का काम कर रहे थे, जो आज तक झारखंड में कोई भी इस तरह का निचले स्तर का काम नहीं किया वो हेमंत सोरेन जी ने किया था। जो भी करते हैं वो राजनीतिक भाषा बोलते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और लोकसभा में तो जवाब मिला ही है, विधानसभा में जवाब मिलेगा, उनको भूखी खानी पड़ेगी। राजनीति में बयानबाजी का दौर ये कोई नया नहीं है, खासकर जब मौका चुनाव का हो तो हर एक मामले का परवान चढ़ना लाजमी है। ऐसे में कई बार राज्य के वाजिब मुद्दे भी राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं, जिसका समाधान हर हाल में होना चाहिए था। न्यूज 11 के लिए कैमरा पर्सन सुशील के साथ अविनाश कुमार।